हमसे गलती हो गई हो तो हमें सजा दो, दिल में इतनी नाराजगी क्यों है बता दो। हमसे गलती हो गई हो तो हमें सजा दो, दिल में इतनी नाराजगी क्यों है बता दो। मानते हैं देर हो गई तुम्हें याद करने में, लेकिन हम तुम्हें भुला देंगे, एक ख्याल दिल से मिटा दो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार, आज मैं इससे का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूँ। तो आज क्लास बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा, लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रोंग बनेंगे। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रोंग बनेंगे। आप जितना स्ट्रोंग बनेंगे लाइफ उतनी ही ईजी होगी। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे ये आज का इससे है ट्रिपल तलाक, तीन तलाक। आज का इससे है ट्रिपल तलाक, तीन तलाक, जिसको हिंदी बोलते हैं तीन तलाक। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको हो सकता है लिखा रहेगा हिस्ट्री ऑफ ट्रिपल तलाक, ये सब नहीं। आप इतने समझिए कि आपको एग्जाम में तीन तलाक पर लिखने को कहा जाएगा, तीन तलाक पर लिखने को कहा जाएगा। तो आप जो है तीन तलाक के बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आगे बता रहा हूँ। टॉपिक है ना ट्रिपल तलाक, तीन तलाक। नेक्स्ट देखिए, अब जो है पहले ट्रिपल तलाक का बताना हिस्ट्री। जब आप इससे लिखेंगे तो आपको माइंड में ध्यान रहना चाहिए कि मुझे तीन तलाक के बारे में उसका जो इतिहास है वो सबसे पहले लिखना है ना। तो ध्यान दे तो लिखेंगे। और मैं इसको इस हिस्से को पढ़ते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान सुनेंगे, इससे क्या होगा यह कहानी आपको माइंड में बैठ जाएगा। तो जो आप इससे लिखेंगे तो वह कहानी माइंड में आते रहेगा और आप लिखते जाएंगे, लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है, दिस डाइवर्स इज वन ऑफ द 1300 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस एमॉन्ग मुस्लिम्स, स्पेशली सुन्नी मुस्लिम्स। कहा जा रहा है कि यह डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स क्या होता है, तलाक होता है, डाइवर्स मीन्स तलाक। तो कहा जा रहा है कि यह तलाक मुस्लिम, खासकर सुन्नी मुस्लिम के बीच 1300 वर्ष पुराना प्रथा है। यह जो है, यह डाइवर्स तीन तलाक जो है 1300 वर्ष पुराना क्या है, प्रथा है, मुस्लिम खासकर किसके बीच, सुन्नी मुस्लिम के बीच। इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 दिस डाइवर्स प्रैक्टिस अफेक्ट्स अराउंड 8% ऑफ इंडियन वुमेन पॉपुलेशन, स्पेशली वुमेन अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स। अब देखिए, इन इंडिया भारत में जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार यह डाइवोर्स प्रैक्टिस लगभग 8% भारतीय महिलाएं जनसंख्या को प्रभावित करता है। लगभग 8% भारतीय महिला को क्या करता है, प्रभावित करता है। और यहाँ कहा जा रहा है खासकर ऐसी महिलाएं जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, ऐसी महिलाएं जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो वो लोग अधिकतर ट्रिपल तलाक का शिकार से गुजर रही है। आगे है, इट कम्स अंडर द पर्सनल लॉ बाय इंडियन मुस्लिम्स। इट इट कहा जा रहा है ट्रिपल तलाक को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तीन तलाक। तो यह ट्रिपल तलाक जो है यह भारतीय मुस्लिम द्वारा पर्सनल लॉ के तहत आता है। यह जो है भारतीय
मुस्लिम के द्वारा पर्सनल लॉ के तहत आता है। क्यों आता है? ट्रिपल तलाक, यानी कहा से ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम के बीच चलता है, हिंदू के बीच नहीं। ट्रिपल तलाक इज अ प्रैक्टिस ऑफ डाइवर्स अंडर क्या है, शरिया लॉ, और वही ब्रैकेट लिखा है इस्लामिक लॉ। ट्रिपल तीन तलाक, तीन तलाक जो है शरिया लॉ के तहत, तीन तलाक शरिया लॉ के तहत डाइवर्स का एक क्या है, प्रैक्टिस है, डाइवर्स का एक प्रैक्टिस है किसके थ्रू, तो शरिया लॉ, और शरिया लॉ को ही बोलते हैं इस्लामिक लॉ, इसी को बोलते हैं इस्लामिक लॉ। वे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शंस इन 2017, मुस्लिम वुमेन रेज देयर वॉइस एंड कंसर्न्स टू अबोलिश ट्रिपल तलाक। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन के लिए प्रचार शुरू किए थे, जब वह उत्तर प्रदेश में प्रचार शुरू किए थे, तो वहाँ मुस्लिम महिलाएं अपनी आवाज़ उठाई और तीन तलाक को समाप्त करने के लिए चिंता जताई। यहाँ कहा जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन के लिए प्रचार शुरू किए थे, तो उसी समय मुस्लिम महिलाएं जो है अपनी आवाज़ उठाई और तीन तलाक को समाप्त करने के लिए चिंता जताई। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ सच वुमेन। तब से केंद्र सरकार इन सब महिलाओं की समस्या को सुलझाने का उपाय जो है ढूंढना शुरू कर दिए। तब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन सब महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उनको सुलझाने का जो उपाय है वह ढूंढना शुरू कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इन अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टर्म्ड ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एज मैनी सोशल रिलीजियस एंड लीगल ऑब्जर्वेशंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। अगस्त 2017 में इंडिया का सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया। यहाँ पर हाँ वही है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया। और बहुत से, यहाँ देखिए यहाँ जो एंड लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, यहाँ एज नहीं होगा, एज आपको यहाँ पर होगा है ना। अगस्त 2017 में भारत का सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया और बहुत से सामाजिक, धार्मिक और कानूनी है ना, कानूनी विचार लाया गया। इसलिए तीन तलाक की प्रैक्टिस के खिलाफ, ये सब को तीन तलाक की प्रैक्टिस खिलाफ जो है ये सब लाया गया। क्या लाया गया? बहुत से सामाजिक, धार्मिक और कानूनी विचार को। अब नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द एट्रोसिटीज फेस्ड बाय इंडियन वुमेन एंड जजमेंट गिवेन बाय सुप्रीम कोर्ट, ट्रिपल तलाक बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट टू अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक बाय इंडियन मुस्लिम्स मेन, एंड अ बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट इन दिसंबर 2018 एंड फाइनली पास्ड बाय बोथ द यहाँ हाउसेस जो है
यहाँ पर हाउसेस है, आप समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय महिला जो अत्याचार शुरू से लेकर अभी तक है ना सहती आ रही है, भारतीय महिला जो अत्याचार शुरू से लेकर अभी तक सहती आ रही है, उन सब के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय दिए, सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय दिए किस आधार पर, जो भारतीय महिला शुरू से लेकर अभी तक अत्याचार जो है सहती आ रही है 3 तलाक का, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय दिए। फिर आए कहा जाए कि 3 ट्रिपल क्या है, 3 तलाक विधेयक को है ना भारतीय संसद में लाया गया। 3 तलाक विधेयक को भारतीय संसद में लाया गया किस लिए, तो भारतीय मुस्लिम पुरुष द्वारा जो 3 तलाक की प्रथा था, भारतीय मुस्लिम द्वारा जो 3 तलाक की प्रथा था उसको समाप्त करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या किया गया, तो किया क्या गया भारतीय संसद में वह बिल जो है लाया गया। आप देखिए नेक्स्ट है, अ बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट और वह विधेयक जो है संसद में लाया गया और यहाँ तो एंड होना चाहिए, और दिसंबर 2018 में, देखिए ध्यान से, वह बिल जो है दिसंबर 2018 में संसद में लाया गया और अंत में दोनों सदनों से पास कर दिया गया। 3 तलाक विधेयक जो था समाप्त करने को लेकर वह संसद में लाया गया, कब लिखा हुआ डेट दिसंबर 2018 में, और अंत में दोनों संसद के दोनों सदनों से पास कर दिया गया, यानी वह समाप्त करने के लेकर जो है पास कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, एज पर इस्लामिक लॉ इन जनरल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलाक फॉर मेन एंड वोमेन। अब कहा जा रहा है कि इस्लामिक, देखिए सामान्य तौर पर इस्लामिक लॉ के अनुसार मैन और वुमेन के लिए कई तरह के तलाक है। सामान्य तौर पर इस्लामिक लॉ के अनुसार मैन और वुमेन के लिए कई तरह के क्या है तलाक है। देखिए फॉर मैन अंडर इस्लामिक लॉ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइवोर्स, नेमली क्या है, तलाक ए बिदात, हसन एंड अहसान। कहा जा रहा है कि पुरुष के लिए इस्लामिक लॉ के तहत 3 प्रकार की डाइवोर्स है। पुरुष के लिए 3 प्रकार की डाइवोर्स है, कौन कौन है, जिसका नाम है तलाक ए बिदात, इसको 3 तलाक कहते हैं, तलाक ए बिदात को ही कहते हैं 3 तलाक यानी 3 तलाक। दूसरा है हसन और तीसरा है अहसान। द मेजर डिफरेंस एमोंग दीज डाइवोर्सेस इज दैट द 3 तलाक इज क्या है इरिवोकेबल, वेयर एज द अदर 2 आर इरिवोकेबल। समझिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये सब डाइवोर्स के बीच, ये सब कौन, जो भी 3 में नाम लिया हो कि पुरुष के लिए 3 प्रकार का डाइवोर्स है उन सब कहा जा रहा है, तो ये सब डाइवोर्स के बीच बहुत बड़ी अंतर जो है वो क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब डाइवोर्स के बीच बहुत बड़ी अंतर यह है कि 3 तलाक जो है उसको वापस नहीं लिया सकता, 3 तलाक को वापस नहीं लिया जा सकता, वापस नहीं ले सकता, और जबकि अन्य 2 जो तलाक है
उसको वापस लिया जा सकता है। यानी एक जो तीन तलाक है उसको एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उस फिर उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन दो जो है, कौन दो है ना, ये क्या बोलते हैं, हसन और अहसान, ये दो को वापस जो है फिर लिया जा सकता है। ट्रिपल तलाक इज एन इंस्टेंट डाइवोर्स वेयर एज द अदर टू टेक्स सम टाइम एंड इज नॉट इंस्टेंट। अब बताया जा रहा है कि देखिए तीन तलाक जो है तुरंत तुरंत दी जाने वाली क्या है, डाइवोर्स है। तीन तलाक तुरंत दी जाने वाली डाइवोर्स है, जबकि अन्य दो डाइवोर्स जो है कुछ समय लेता है, कुछ समय लेता है और तुरंत दी जाने वाली डाइवोर्स नहीं है। अन्य दो जो डाइवोर्स है वह कुछ समय लेता है, तुरंत दी जाने डाइवोर्स नहीं है। वो दो अन्य याद है, हसन और अहसान। अब देखिए, इन द केसेस ऑफ वुमेन देयर इज अ ट्रेडिशनल फिक खुल और ऑल्सो नोन एज खुला अलाउिंग अ वुमेन टू डाइवोर्स हर हस्बैंड फ्रॉम म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द हस्बैंड और अ जुडिशियल डाइवोर्स। आप समझिएगा, बताया जा रहा है कि महिलाओं के मामले में एक पारंपरिक फिक खुल है। क्या है, फिक खुल है, या फिर बोला जा रहा है कहाँ थे हम लोग, या एक यहाँ थे ना, फिक खुल है या खुला, खुला के रूप में भी जाना जाता है, खुला के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तक क्या समझे हम लोग समझे कि महिलाओं के मामले में एक पारंपरिक है ना फिक खुल है। अब फिक खुल को ही कहते हैं खुला कहते हैं, फिक खुल को ही क्या कहते हैं, खुला कहते हैं। आप पारंपरिक समझते हैं, पारंपरिक मीन्स क्या, जो पहले से चलते आ रहा है। तो फिक खुल को क्या बोलते हैं, खुला भी कहते हैं। और फिक खुल जो है महिलाओं को, फिक खुल जो है महिलाओं को है ना हस्बैंड या न्यायिक फैसला, हस्बैंड महिलाओं को समझिएगा क्या कह रहा है कि ठीक खुल जो किसी महिलाओं को हस्बैंड या न्यायिक फैसला के आपसी सहमति के माध्यम से अपने पति को है ना डाइवोर्स देने का अनुमति है। फिर कुल क्या कहता है कि महिला जो है अपने पति या न्यायिक फैसला के आपसी सहमति के माध्यम से अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है ना। एक कौन नियम कहता है, एक कहता है फिक खुल, क्या है फिक खुल। फिर आगे, इट्स रेफरेंस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द होली कुरान और हदीस। इट्स रेफरेंस यानी इसका प्रमाण जो है पवित्र कुरान या हदीस में है ना भी उपलब्ध है। इसका प्रमाण पवित्र कुरान या हदीस में भी उपलब्ध है, यानी दोनों में उपलब्ध है। ये जो ये इसके बारे में क्या बोलते हैं, फिक खुल के बारे में जो कहा गया है ना, जो मैं भी जस्ट बताया, इसका प्रमाण हम लोग किससे पा सकते हैं, तो पवित्र बुक जो कुरान है उससे पा सकते हैं, देख सकते हैं, या एक और पुस्तक है हदीस, उसमें भी देख सकते हैं। हदीस इज नोन एज द सेइंग ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। कारा हदीस जो है ना पैगंबर मोहम्मद का है ना क्या बोलते हैं प्रवचन के रूप में जाना जाता है। यानी यहाँ बोला जा रहा है कि हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद के प्रवचन के रूप में जाना जाता है। यानी पैगंबर मोहम्मद का प्रवचन, यानी जो भी वह अच्छे अच्छे बताए ये डाइवर्स के बारे में, वह किसमें है, हदीस में, किसमें है, हदीस में। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब है, ऑफ लेटली देयर हैज बीन
मच नॉइज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक बाय द मेल पॉपुलेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर। अब बताया जा रहा है कि हाल ही में, ऑफ लेटली मीन्स क्या, हाल ही में बहुत शोरगुल रहा, इसलिए तो मेल इस्लामिक कल्चर का मेल पॉपुलेशन द्वारा ट्रिपल तलाक की प्रथा को लेकर, समझ रहे हैं, या कहा जा रहा है कि हाल ही में बहुत शोरगुल रहा, है ना, बहुत हाहाकार मचा, है ना, किस लिए, तो इस्लामिक कल्चर की मेल पॉपुलेशन द्वारा ट्रिपल तलाक की प्रथा को लेकर, ट्रिपल तलाक की प्रथा को लेकर। अब क्या है, ट्रिपल तलाक हैज बीन सीन एज द डोमिनेंस ऑफ मेन ओवर वुमेन। बहुत अच्छा कहा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा जो है बहुत कठोर था, हम लोग तो उस समय थे नहीं, लेकिन उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं तो क्या शरीर कांप जाता है ना। तो इन लोग का भी धर्म में जो है बहुत सा जो है अजीब सा जो है क्या सामाजिक बुराई कह सकते हैं, जो हम लोग अभी जान रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो यहाँ बहुत अच्छा कह, समझिए, कह रहा है कि तीन तलाक जो है ना, तीन तलाक को देखा गया, है ना, पुरुष का महिलाओं पर वर्चस्व के रूप में, पुरुष का महिलाओं के ऊपर वर्चस्व रूप में। वर्चस्व कहने का अर्थ क्या है कि पुरुष का ही चलना, महिलाओं को चलना नहीं, समझे। यहाँ क्या कहा, ट्रिपल तलाक को देखा गया, है ना, पुरुष का महिलाओं के ऊपर, है ना, वर्चस्व के रूप में। इट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एमोंग मुस्लिम एम्पावरमेंट वुमेन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट, आप देखिए, इट गोज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इक्वलिटी, यह जो है यह क्या, यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। इट, समझ रहे हैं किसको कहा जा रहा है, इट कहा जा रहा है जो एक इस तरह का जो वर्चस्व जो पुरुष लोग दिखाते हैं वुमेन पर, उसको कहा जा रहा है। तो यह जो है ना, समानता के अधिकार के खिलाफ है और देश की मुस्लिम महिला जनसंख्या के बीच, है ना, महिला सशक्तिकरण, देश की मुस्लिम महिला जनसंख्या के बीच महिला सशक्तिकरण, है ना, इसके प्रति भी क्या है जो है इसके प्रति भी अच्छा नहीं है। ये जो वर्चस्व जो है महिला सशक्तिकरण के नजरिया से भी उचित नहीं है। दिस मेथड ऑफ डाइवोर्स डज नॉट स्टैंड विथ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म। एक चीज आपको याद देना चाहते हैं, स्टैंड विथ, मैं फ्रेजर वर्ब बताया था, याद है, स्टैंड विथ मींस क्या होता है, स्टैंड विथ मींस होता है साथ देना, स्टैंड विथ मींस साथ देना, मैं फ्रेजर वर्ब बताया था, याद होगा, याद ला दिया। तो यहाँ कह रहा है कि डाइवोर्स का यह तरीका है ना जेंडर। अब यहाँ क्या हो गया, देखिएगा, हाँ समझिएगा, डाइवोर्स का यह तरीका है ना जेंडर समानता और धर्मनिरपेक्ष की मौलिक सिद्धांतों को सपोर्ट नहीं करता। मैं डाइवोर्स का यह तरीका जो क्या तरीका है, जैसे तीन बार बोल दे तलाक 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 खत्म, तुम अपना घर मैं अपना घर, वही कह रहा है डाइवोर्स का यह तरीका जो है जेंडर, है ना, जेंडर समानता और क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेक्युलरिज्म बोलते हैं, आप देख लेंगे, ध्यान नहीं है। तो डाइवोर्स का यह तरीका जो है जेंडर समानता और सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्ष की मौलिक सिद्धांत को सपोर्ट करता नहीं है। इसका अर्थ होगा धर्म निरपेक्ष, क्या होगा, धर्म निरपेक्ष,
इट पुट्स अ क्वेश्चन ऑन द डिग्निटी ऑफ वुमेन जस्टिस एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रिविलेज ऑफ मुस्लिम्स वुमेन इन द कंट्री। अब देखिए यह इट किसको कहा जा रहा है, यही जो तलाक का जो यह तरीका है ना उसी को कहा जा रहा है। यह जो है क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन उठाता है, इससे यह क्वेश्चन उठाता है क्या मनुष्य महिला की प्रतिष्ठा को लेकर है ना न्याय और देश में मुस्लिम महिलाओं की है ना मानवीय विशेष अधिकार, यह सवाल उठाता है, यह सवाल उठाता है ना महिला की प्रतिष्ठा को लेकर न्याय को लेकर और देश में मुस्लिम महिलाओं की मानवीय विशेष अधिकार को लेकर क्या उठाता है, क्वेश्चन उठता है। फ्रॉम 1 अगस्त 2019 हैज बिकम अ लॉ विच डिक्लेयर्स दैट ट्रिपल तलाक डाइवोर्स गिवेन इन द फॉर्म ऑफ वर्बल ओरल रिटेन एंड डिजिटल और एनी फॉर्म व्हाटसोएवर डीम्स टू बी वॉइड हेंसफोर्थ एंड इट इज इलीगल टू प्रैक्टिस। समझिएगा यहाँ बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2019 से है ना यह कानून बन गया, 1 अगस्त 2019 से कानून बन गया जो बताता है कि तीन तलाक डाइवोर्स जो है अने बोलकर है ना बोलकर या लिखकर या बोलकर या लिखित रूप से या डिजिटल रूप से या किसी भी तरह या जो भी हो दिया जाता है। यहाँ तक जो है हम लोग क्या समझे कि ट्रिपल तलाक जो है बोलकर दिया जाता है या लिखित रूप से दिया जाता है या डिजिटल रूप से दिया जाता है, किसी भी तरह के तरीके से यदि दिया जाता है तो वह जो है अब से है ना अब से कुछ नहीं माना जाएगा, अब से उसे कुछ नहीं माना जाएगा यानी अब उसका कुछ वैल्यू नहीं है। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी वाइफ को बोलकर या लिखकर या क्या बोलते हैं व्हाट्सएप या किसी माध्यम से 3 बार तलाक तलाक बोलते हैं तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, अब समाप्त हो गया, अब कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। क्या है इट इज इलीगल टू प्रैक्टिस इट यानी वही जो ट्रिपल तलाक जो है इट इज इलीगल टू प्रैक्टिस यानी यह प्रथा क्या अवैध हो गया, यह प्रथा क्या हो गया अवैध यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बिसाइड्स द बिल एंटाइटल्स डिक्लेरेशन ऑफ तलाक एज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, कहा जा रहा है कि इसके अलावा यह विधेयक जो है कानूनी है ना कानूनी सुनवाई और नॉन वेलेबल अपराध के रूप में तलाक की घोषणा का अधिकार देता है। यहाँ क्या समझे समझिएगा कि इसके अलावा यह बिल जो है ना कानूनी सुनवाई और नॉन वेलेबल अपराध के रूप में तलाक की घोषणा का अधिकार देता है यानी यदि कोई अब 3 तलाक अपनाता है, 3 तलाक देकर अपने वाइफ को छोड़ता है तो उसको जो है बेल होगा नहीं, नॉन वेलेबल इसका उसको बेल होगा नहीं और कानूनी सुनवाई होगा यानी कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अ हस्बैंड डिक्लेयरिंग तलाक मे बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 3 ईयर्स अलॉन्ग विथ अ फाइन। बहुत अच्छा है समझिएगा है ना, तलाक देने वाले हस्बैंड को 3 साल की सजा साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। यदि क्या समझे, यदि कोई हस्बैंड जो है
ट्रिपल तलाक अपनाते हैं तो उनको 3 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ अलोवेंस अ मुस्लिम वुमेन इज ऑल्सो एंटाइटल टू सीक अलोवेंस फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। अब देखिए तो ये होता है सहायता राशि होता है, अलोवेंस मीन्स क्या सहायता, मंथली सहायता राशि यानी हर महीने जो सहायता राशि दिया जाता है, हर महीने जो पैसा दिया जाता है, जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ता है हर महीने उसको पैसा देता है सहायता राशि खुद को जीने के लिए और बच्चों के लिए, उसी को बोलते हैं अलोवेंस। मीन्स क्या समझेंगे, सहायता राशि, राशि मीन्स पैसा। तो सहायता राशि के मामले में, सहायता राशि के मामले में किसी भी मुस्लिम महिला को, किसी भी मुस्लिम महिला को खुद के लिए और अपने स्वतंत्र बच्चों के लिए अपने पति से सहायता राशि मांगने का भी अधिकार है, यानी किसी भी मुस्लिम महिला को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति से सहायता राशि मांगने का पूरा अधिकार है। ये कब होगा, माने किसी दूसरे माध्यम से यदि छोड़ दिया जाता है तब, लेकिन 3 तलाक, 3 बार तलाक तक बोलकर नहीं। तलाक इज एन अरेबिक वर्ड मीनिंग डाइवर्स, और तलाक क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, तलाक एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, डाइवर्स होता है। ट्रिपल तलाक इज मीन्ट एज एन इंस्टेंट एंड क्या है, इरिवर्सिबल डाइवोर्स। ट्रिपल तलाक को समझा जाता है, ट्रिपल तलाक को समझा जाता है तुरंत दी जाने वाली डाइवोर्स और वापस नहीं करने वाली डाइवोर्स। ट्रिपल तलाक को समझता है तुरंत दी जाने वाली और वापस नहीं लिए जाने वाला डाइवोर्स, ये समझा जाता है। इट इज एन इस्लामिक डाइवोर्स प्रोसीजर, और इट किसको कहा जाता है, ट्रिपल तलाक को, तो 3 तलाक जो है एक इस्लामिक डाइवोर्स प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है। ट्रिपल तलाक इज फॉलोड बाय इंडियन मुस्लिम्स एंड पीपल हु फॉलो इस्लाम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक वो लोग फॉलो करते हैं, ट्रिपल तलाक वो लोग फॉलो करते हैं जो जो इंडियन मुस्लिम होते हैं, या ऐसे लोग जो दूसरे कंट्री से इस्लाम फॉलो करते हैं, यानी अपना इंडिया का मुस्लिम हो गया या दूसरे कंट्री का मुस्लिम, जो दूसरे अपने इंडिया का मुस्लिम हो गया या दूसरे कंट्री का कुछ लोग जो इस्लाम जो है मानते हैं, वो लोग जो है ट्रिपल तलाक को फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं, हिंदू धर्म नहीं। इन ट्रिपल तलाक अ मुस्लिम हस्बैंड गिव्स डाइवोर्स टू हिज वाइफ बाय अटरिंग द वर्ड तलाक 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 एट वन गो। देखिए यहाँ अच्छा कहा जा रहा है कि अच्छा क्या, देखिए आप ही, 3 तलाक में, 3 तलाक में कोई भी मुस्लिम हस्बैंड है ना अपनी पत्नी को डाइवोर्स देता है ना, क्या बोलते हैं, एक ही बार में तलाक 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 वर्ड जो है बोलकर, यानी ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है तलाक 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 एक ही बार में बोल के, यानी तुरंत बोल देना और हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आगे वंस इट इज, देखिए वंस, ये कैसे हिल रहा है, वंस इट इज स्पोकन द मैरिज स्टैंड्स वॉइड। देखिए वंस इट इज स्पोकन, यदि एक बार बोल दिया आता है, यदि एक बार बोल दिया आता है तो वह शादी जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होता है। एक बार 3 तलाक बोल दिया आता है, तलाक तलाक तलाक, तो वह शादी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वाइड मीन्स क्या, समाप्त होना। इट इज एप्लीकेबल इन बोथ फॉर्म्स ओरल एंड रिटेन, और
या तीन तलाक जो है दोनों रूप में, दोनों फॉर्म में है ना मान्य होता है, बोलकर या लिखित, बोलकर और लिखित माध्यम है ना। यानी कहा जा रहा है या जो है बोलकर और लिखित माध्यम दोनों माध्यम में क्या है मान्य होता है। यानी कोई मुस्लिम हस्बैंड बोलकर टैबर्स दे सकता है या लिखित माध्यम से भी दे सकता है, दोनों ही मान्य है। इन मोस्ट रिसेंट टाइम्स डिजिटल फॉर्म्स लाइक सेंडिंग ओवर ईमेल व्हाट्सएप इज वैलिड। और हाल ही में डिजिटल फॉर्मेट्स जैसे ईमेल भेजना, व्हाट्सएप करना, ये सब भी क्या है वैलिड है। यानी हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि कोई मुस्लिम मैन जो है ईमेल के माध्यम से भी है ना तीन बार तलाक बोलकर जो है वह डाइवोर्स दिए हैं, या क्या बोलते हैं व्हाट या ईमेल के माध्यम से भी दिए हैं। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन एंड क्या है वे फॉरवर्ड। अब ये आपको जो है लास्ट में आपको लिखना है, इस पॉइंट को देखिए क्या लिखिएगा। गेटिंग रेस्पेक्ट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। गेटिंग रेस्पेक्ट यानी इज्जत देना, इज्जत देना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। बहुत अच्छा कहा गया, इज्जत देना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स टू बी ड्रोन थ्रू द अबोलिशिंग ऑफ द ट्रिपल तलाक बिल इज दैट नो मुस्लिम विल फेस सच डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस इन देयर लाइफ इन फ्यूचर। अब बताया जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यह है कि ट्रिपल तलाक बिल को समाप्त करना, सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यह है कि ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जिससे इज दैट माने इससे क्या हुआ कि कोई भी मुस्लिम इस तरह का भेदभाव और आने वाले समय में अपने लाइफ में अन्याय सामना नहीं करेगा। सबसे बड़ी कंक्लूजन है कि ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, इससे क्या होगा कि इस तरह का कोई भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा है ना, और आने भविष्य में भी इस तरह का जो नाइंसाफी है कोई सामना नहीं करेगा। ये कहना चाहता है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ कंट्रोवर्सी बाय द एंटायर वर्ल्ड बट देयर आर अ मेजर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की हु हैज डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अ लॉन्ग अगो। बहुत अच्छा कहा गया है ना। देखिए तीन तलाक का प्रैक्टिस जो है ना पूरे वर्ल्ड में, कहाँ पूरे वर्ल्ड में तीन तलाक का प्रैक्टिस जो है पूरे वर्ल्ड में शुरू से ही विवाद का विषय बना रहा। ट्रिपल तलाक का जो है प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में शुरू से ही विवाद का विषय बना रहा, लेकिन बहुत से मुस्लिम कंट्री ऐसे भी है जैसे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की जो बहुत पहले तीन तलाक की प्रैक्टिस को समाप्त कर दिए हैं। समझ सकते हैं कि जो हम लोग का इनेमी, जो हम लोग इनेमी मानते हैं पाकिस्तान को, वो लोग भी जो है इंडिया से पहले जो है ट्रिपल तलाक को समाप्त कर बैठे हैं। हम लोग जो अब तक जो है भुगत रहे थे जो समाप्त हो गया। इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ मुस्लिम क्लेरिक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिपल तलाक बिल। क्या है बिलिएशन है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, पर तलाक बिल एसन कोल यहाँ पर देखिए यहाँ से और यहाँ तक जो है क्लियर लिखा हुआ नहीं है।
मैं घेरता हूँ यहाँ से लेकर, आप ध्यान देंगे, और यहाँ तक क्लियर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना मैं उचित समझता नहीं हूँ। तो मैं जो है इस ट्रिपल तलाक का जो एसे था, मैं शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ कर मैं आपको बताया, और बीच में मैं फिर उसको रिपीट नहीं किया कि जिससे इससे क्या होगा, रिपीट करने से क्या होगा कि वो वीडियो जो है, क्लास जो है लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर देखने में जो है बोरिंग फील होगा, जो हम लोग भी जो हम लोग समझते हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं किया। तो आप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी मैं बताया आप ध्यान से सुने होंगे, तो सुने होंगे तो आप जो है क्लास समाप्त होने के बाद जो है आप कुछ देर 5 मिनट तक या 10 मिनट तक जो है इसको माइंड में आप रिकॉल करेंगे, माइंड में आप तो ध्यान लाएंगे कि आलोक सर जो कहानी बताया है क्या क्या बताया है। फिर आधा घंटा बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे तो जो है लिखना जो तरीका है उससे आप जब लिखेंगे तो खुद ब खुद माइंड में आते रहेगा। तो आज के क्लास कैसा लगा आप बताएंगे, और अटेंडेंस आप जानते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, तो आप लोग अटेंडेंस में लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।